दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को पेंशन फंड बढ़ाने का मौका दे दिया है, अतिरिक्त बोनस का भी मिल सकता है लाभ। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या खबर है और क्या निकल के आ रही है न्यूज़ में। आप सभी को बता दूं कि ये अति महत्वपूर्ण जो है वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, और साथ ही साथ आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी जो शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ हैं। आप लोग अपनी शुभकामनाएं हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि ईपीएफओ की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ खाता धारकों को पेंशन फंड बढ़ाने वाला प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसमें पेंशन लेने से जुड़ी सुपर एन्यूएशन एच 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष हो जाएगी। जो एज है वो 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाएगी। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को इस बदलाव का एक विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। इस तरह का विकल्प मिलने से बेनिफिशरी को पेंशन फंड बढ़ाने का भी मौका मिलेगा, और इसके अलावा ईपीएफओ अतिरिक्त बोनस भी दे सकता है। बात कर लेते हैं जो मीडिया में छपी हुई खबर है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, उसके हिसाब से तो बताया गया है कि ईपीएफओ ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के बदलाव वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि सुपर जो है एनुएशन एज 58 वर्ष है, इसे 60 वर्ष करने की आवश्यकता है। दुनिया में अधिकांश पेंशन फंड 65 साल के बाद पेंशन दे रहे हैं, और इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात की जाए तो इसमें जुड़ी एक प्रतीक के अवलोकन का भी दावा किया जा रहा है। इसमें कहा गया है रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव ट्रस्टियों के सेंट्रल बोर्ड की नवंबर में होने वाली बैठक में पेश किया जाएगा। और एक अधिकारी से ये पता चलता है कि बोर्ड ने मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा श्रम मंत्रालय के द्वारा। ईपीएफओ के मुताबिक उम्र सीमा बढ़ने से पेंशन फंड में डेफिशिएट 30,000 करोड़ रुपए तक कम हो जाएगा। वहीं सदस्यों के लिए पेंशन लाभ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दौरान सर्विस के 2 अतिरिक्त साल मिलेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की सैलरी के जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8.33% तक होता है, जो ईपीएस 95 के हिसाब से है। और इसमें पेंशन वाली सैलरी की लिमिट करीब 15,000 रुपये है। पेंशन का लाभ लेने वाला 58 वर्ष की उम्र में ईपीएस पेंशन का हकदार होता है। जिनका सेवाकाल 10 साल से कम हो या 2 माह से अधिक है वक्त से बेरोजगार है, वह ईपीएस रकम निकाल भी सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो है इनिशिएटिव होगा, और इसका जो है डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा पेंशनर्स को। इससे पेंशन फंड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है वो लिमिट भी बढ़ जाएगी। जो अभी का लिमिट है 1995 के तहत वो 15,000 तक की मिनिमम सैलरी है, तो उनको ईपीएस का लाभ मिलता था, और कम से कम जो इसमें बात की जाती है वो 10 साल की मिनिमम नौकरी होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर थी, और आप सभी को बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि अब देखना ये है कि नवंबर में होने वाले सीबीटी की बैठक में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। अगर ये फैसला लेगी तो कहीं ना कहीं ये पेंशन फंड बढ़ाने और बाकी चीज़ों के लिए पेंशनर्स के लाभप्रद साबित हो सकता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट में दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए हमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।